हमारी दुनिया में महिलाओं ने अहम भूमिकाएं निभाई हैं और ऐसी ही हमारी दुनिया के कुछ पावर लेडीजों के बारे में मैं आपको बताऊंगी। इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के बाद निर्मल सीतारमण भारत की रक्षा मंत्री बनी हैं। इंदिरा गांधी ने 1975 में कुछ समय जबकि 1980 में 2 साल के लिए यह पद संभाला था। हालांकि दुनिया भर में 15 महिला रक्षा मंत्री हैं जो अपने देश में यह मंत्रालय संभाल रही हैं। इसमें ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस, इटली जैसे कई बड़े देश शामिल हैं। उर्सुला वॉन डेर लेयन। उर्सुला वॉन डेर लेयन साल 1913 में जर्मनी की पहली महिला रक्षा मंत्री के तौर पर नियुक्त हुई हैं। 7 बच्चों की मां उर्सुला पेशे से चिकित्सा रही हैं। वह 1999 से राजनीति में सक्रिय हैं। रक्षा मंत्री बनने से पहले वह श्रम मंत्री और महिला विकास मंत्री भी रह चुकी हैं। मैरी सैन ऑस्ट्रेलिया की प्रांडी और देश की पहली महिला रक्षा मंत्री हैं। उन्होंने 21 सितंबर 2015 को यह जिम्मेदारी संभाली थी। मैरी सैन ने कानून की पढ़ाई की है। न्यू साउथ वेल्स आने वाली पेन को 2 दशक का संसदीय अनुभव है। रोबर्टा पिनोटी। रोबर्टा पिनोटी इटली की रक्षा मंत्री। रोबर्टा पिनोटी ने मॉडल लिटरेचर की पढ़ाई करने के बाद शिक्षक रही हैं। वे साल 2014 से इटली की रक्षा मंत्री का पदभार संभाल रही हैं। उन्होंने 2 दशक पहले इटली की कम्युनिस्ट पार्टी में अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। जेनी हेनिस। जेनी हेनिस नवंबर 2012 से नेदरलैंड की शिक्षा मंत्री हैं। पीपल्स पार्टी फॉर फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी की नेता जेनी इससे पहले ट्रांसपोर्ट और टूरिस्ट समिति की सदस्य रह चुकी हैं। डच संसद में वह लगातार सार्वजनिक सुरक्षा, पुलिस व्यवहार और LGBT अधिकारों की बात उठाती रही हैं। कोलेस काली। फ्रांस की राष्ट्रपति इमोल मोको ने जब अपनी नई कैबिनेट का गठन किया तो उन्होंने आधे पर्दे पर महिलाओं को जगह दी। इसी सिलसिले में सिल्वी गोल्डर को रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई, लेकिन एक विवाद के बाद सिविल गोल्डर्स ने इस्तीफा दे दिया। गोल्डर्स के बाद इसी साल 21 जून को फोरेंस पाली ने फ्रांस की नई रक्षा मंत्री के तौर पर कार्यभार संभाला है। शेख हसीना। शेख हसीना इस समय रक्षा मंत्री हैं। वह देश की प्रधानमंत्री भी हैं। 7 दशक से बांग्लादेश की सियासत में सक्रिय शेख हसीना मौजूद समय में देश की सबसे ताकतवर महिला हैं। आर ओमामो केन्या की राष्ट्रीय रक्षा मंत्री हैं। मायावती। मायावती बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मायावती ने सन 1995 में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और यह दलित राजनीति के संचालक तथा भारतीय राजनीति में भूमिका रखते हुए 4 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की बागडोर संभाली है। मायावती दलित महिला के रूप में मुख्यमंत्री बनने वाली पहली भारतीय महिला हैं। ये थी SN न्यूज रिपोर्ट।